तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करूँगी जो कि है चिकन बिरयानी। तो जी, मेरे पास है प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्चें, घी। मैं फर्स्ट टाइम इसको घी से बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको ऑयल से भी बना सकते हैं। दही, ये हमारे मसाला जात हैं, ये फूड कलर, और कुछ मैंने इसमें राइस है हमारे पास, और चिकन है मसाला। तो हम घर के तमाम अज्जा को जो हमारे घर में होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम देगी बिरयानी बनाएंगे कि किस तरीके से देग में बिरयानी तैयार की जाती है, आज मैं वो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। हम ले लेंगे प्याज और लहसुन। प्याज जो मेरे पास है 6 से 7 अदद हैं बड़े साइज के, और लहसुन की कलियां हैं मेरे पास। इन दोनों को मैं प्रेशर में डालकर अच्छे तरीके से पिंक गुलाबी कर लेती हूँ। प्याज और लहसुन डाल दिया है। बाज़ लोग टमाटर हरी मिर्ची भी डाल के कर लेते हैं, लेकिन देगी बिरयानी में आपने ये टिप याद रखनी है कि आपने लहसुन और प्याज को पहले सोते कर लेना है, उसके बाद वो चीजें डालनी है, ताकि फिर आपका जबरदस्त सा मसाला तैयार होगा। प्याला भरकर घी का ढाल रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम घी में बना रही हूँ। अगर आप ऑयल में बनाते हैं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। सोते हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें 8 से 10 हरी मिर्ची डालूंगी, और 2 टमाटर बड़े साइज के इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्ची और टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। कितना कलरफुल सा मसाला तैयार हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी मसाला जात। डालना है 1 से 1.5 चम्मच नमक, हल्दी 1.5 टेबल स्पून, और हल्दी आपने 1 टीस्पून ऐड करना है इसमें। और इसके साथ मैं एक दालचीनी स्टिक डाल रही हूँ, 7 से 10 काली मिर्चें, 1 चम्मच बढ़कर आपने इसमें जीरा डाल लेना है, कड़ी पत्ता 3 से 4 अदद, और छोटी इलायची 2 अदद। बाकी ये काला जहाज, ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम जब बिरयानी के चावलों को उबालेंगे उसमें ऐड करेंगे। हमारा मसाला तैयार हो रहा है, तब तक मैं चावलों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं। आप भी इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया करें। बढ़कर पानी का डाल देते हैं और इसको वेट लगा देते हैं। चिकन के अंदर 1 कप बढ़कर दही का डाल रही हूँ। इसमें हम नेशनल का बिरयानी मसाला पूरा पैकेट बढ़कर डाल रहे हैं। अगर आपकी 1 किलो बिरयानी आप रेडी कर रहे हैं तो इसमें 1 सेशा जाएगा। अगर 2 कर रहे हैं तो 2 किलो के चावलों के हिसाब से आप इसमें 2 पैकेट ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर सारा मसाला लगाकर रख देते हैं। मसाला लगाकर रख दिया है। अब मैं 1 अदद पतीले के अंदर ये तमाम अज्जा ऐड कर दूंगी। पानी डालकर इसको बॉयल करने के लिए रख दूंगी। अब हम अपने चावलों को बॉयल करते हैं। हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें देखिए, उसका ऑयल भी सारा ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। इसमें आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दही ने अपना पानी छोड़ना है। अब मैं इसको स्टीम लगा प्रेशर लगा दूंगी। 1 मिनट तक आपने इसका प्रेशर चलाना है, उसके बाद आपने बंद कर देना है इसको। मसाला तैयार हो चुका हुआ। देगी बिरयानी में लेयर्स नहीं होती। अब हम ये सारा मसाला इसका इस पतीले में डालेंगे। इस मसाले के ऊपर सारे चावल डाल दूंगी। ही निकाल लिया था इसका, ये मैं ऊपर से डालूंगी। साथ में मैंने ये फूड कलर इसमें डाल रही हूँ, जहां जहां आपको लग रहा हो। पहले ही प्रीहीट कर लिया था। अब मैं बिरयानी को दम पे रख दी है अपनी, जो हम देगी बिरयानी तैयार कर रहे हैं। 15 से 20 मिनट तक हम अब इसको दम पे रखेंगे। देगी बिरयानी तैयार हो चुकी हुई है। झटपट सी रायते के साथ हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।